कैसे लिया भगवान विष्णु ने वामन अवतार। भगवान विष्णु ने समय समय पर संसार के उत्थान के लिए अवतार लिए हैं और उन्हीं अवतारों में से एक अवतार रहा है वामन अवतार। वामन अवतार लेकर श्री विष्णु ने असुरों से स्वर्ग और धरती का अधिपत्य वापस लिया था। पर क्या आप जानते हैं कि कैसे हुआ वामन देव का जन्म? आइए जानते हैं। विष्णु जी के अनन्य भक्त प्रह्लाद के वंशज थे राजा बलि, जिन्होंने तीनों लोक पर अपना अधिपत्य स्थापित किया था। स्वर्ग से निकाले जाने के बाद देवता जंगलों में मारे मारे फेंकते रहे। उनकी इस हालत से उनकी माँ अदिति बहुत दुखी थी। उनकी और देवताओं की दुर्दशा देखकर देवताओं के जनक कश्यप मुनि ने उन्हें श्री हरि विष्णु की उपासना करने का परामर्श दिया। उनके कहने पर अदिति ने 12 दिन केवल दूध पीकर श्री कृष्ण की उपासना की और पयोव्रत नाम का उपवास रखा। श्री विष्णु ने उनको दर्शन देते हुए कहा कि वो उनकी पूजा से प्रसन्न है, पर देवताओं के पास अभी तो ताकत नहीं है कि वो असुरों से अपना राज्य वापस ले सके। इसके लिए मुझे स्वयं तुम्हारे बेटे के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। कुछ समय बाद अदिति देवी गर्भवती हुई और विजयदशमी के दिन वामन देव का जन्म हुआ। उनके जन्म के बाद अलग अलग देवी देवता वहां प्रकट हुए और सब ने अपने दिव्य आभूषण और प्रसादन उन्हें प्रदान किए। बृहस्पति ने उन्हें यज्ञोपवीत दिया, सरस्वती पृथ्वी ने हिरण की त्वचा, ब्रह्मा ने कमंडल और कुबेर ने भिक्षा पात्र आदि प्रदान किया। फिर स्वर्ग का राज्य पुनः लिए उन्होंने अपना आकार छोटा कर लिया और बोने के वेश में बलि महाराज से मिलने चले गए। वहां जाकर उन्होंने भिक्षा के तौर पर 3 पग धरती की मांगी कि बलि ने उन्हें 3 पग धरती देना कबूल कर लिया। लेकिन इस समय वामन देव ने विराट रूप धारण किया और पूरा संसार 2 कदमों में ही नाप लिया। जब वामन देव अपना दूसरा पग स्वर्ग पर रख रहे थे, तब ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति करने के लिए अपने कमंडल से उन पर पानी डाला और उसे धोया। ब्रह्मा के कमंडल से विष्णु के पैरों से होता हुआ ये जल स्वर्ग लोक में गंगा नदी के नाम से अवतरित हुआ, जो बाद में धरती पर आई। वामन देव ने अपने तीसरे पग से बलि को सूतल लोक में भेज दिया, जो धरती उन्होंने अपने 2 कदमों से अर्जित की थी उन्हें इंद्र को अर्पित कर दिया और खुद उपेंद्र की उपाधि ग्रहण की।